कथा सुनाने जा रहे हैं। यह रक्षाबंधन की कथा है। हाँ, रक्षाबंधन महाभारत युग से प्रचलित हुई है। चलिए कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण की श्रुति देवी नाम की चाची थी, जिन्होंने एक विकृत बच्चे शिशुपाल को जन्म दिया था। एक आकाशवाणी से उन्हें पता चला कि जिसी हाथों शिशुपाल स्वस्थ होगा, उसी के हाथों वो मारा भी जाएगा, जिससे वह चिंतित हो गई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी चाची से मिलने आए, और जैसे ही श्रुति देवी ने अपने पुत्र को भगवान श्री कृष्ण के हाथों में दिया, वह स्वस्थ हो गया और सुंदर भी हो गया। यह बदलाव देखकर श्रुति देवी खुश हुई, पर उनको एक और चिंता थी कि अब श्री कृष्ण के हाथों में शिशुपाल का वध होगा। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि चाहे मेरा बेटा कितनी भी गलतियां कर ले, आप उन्हें माफ कर देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको वादा किया कि चाहे जितनी गलतियां शिशुपाल करे, पर वो उन्हें माफ कर देंगे जब तक वह 100 गलतियों के पार नहीं जाता। शिशुपाल बड़ा होके चित्र नाम के एक राज्य का राजा बन गया। वह अपने प्रजा को बहुत तंग करता था और श्री कृष्ण के बहुत चुनौतियां भी रखता था। एक दिन तो उसने पूरी राज्यसभा के सामने श्री कृष्ण की निंदा की, और वह उसकी 100 गलतियों के पार जाना था, और तुरंत श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उनका वध कर दिया। मगर चक्र चलाते ही चलाते श्री कृष्ण की उंगली में भी चोट आ गई। वहां खड़े सभी लोग सोच में पड़ गए कि श्री कृष्ण के हाथों पर क्या बांधेंगे। पर वहां खड़ी द्रौपदी आगे आई, अपनी साड़ी का एक कोना फाड़कर और श्री कृष्ण की उंगली पर लगा दिया, और श्री कृष्ण ने द्रौपदी से वादा किया कि वह हर क्षण द्रौपदी की मदद करेंगे। और जिस दिन महाभारत में कौरवा ने द्रौपदी की साड़ी खींच कर उसका अपमान किया, उस दिन श्री कृष्ण ने अपना वादा पूरा किया। और उसी दिन से भाई अपनी बहन की सुरक्षा करने का वादा करते हैं, और बहन उनकी कलाई पर राखी बांधती जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हैप्पी रक्षाबंधन।